आज बात करेंगे मेंस गारमेंट बिजनेस में क्या क्या वैरायटीज होती हैं जो आपकी दुकान पे होनी बहुत जरूरी है। मेंस में आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकता है वो क्या बिकता है, जींस। चेक शर्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं और आपको चेक में डबल पॉकेट, सिंगल पॉकेट, प्लेन कलर एकमात्र ऐसी आइटम है जो आज भी बिकेगा, कल भी बिकता है और सदा बाहर बिकता है। प्लेन तो आपकी दुकान में हमेशा भरे भरे होने चाहिए क्योंकि कपड़ा जो भी खरीदें वो बेस्ट और बेस्ट क्वालिटी में ही होना चाहिए। तो फॉर्मल पैंट की देखिए, कॉटन में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, फॉर्मल पैंट आ जाती हैं। अब फॉर्मल पैंट में एक तो स्ट्रेट, एक होता है रेगुलर फिट जो कंफर्ट पैटर्न आ जाता है हमारे, और एक होता है बूट कट का रिवाज जो नीचे आजकल खुली पैंटें चली हुई हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली का टेस्ट है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रूरल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए रेगुलर नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं और बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गारमेंट बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर आप भी गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि आपको इस चैनल पे रेगुलर गारमेंट बिजनेस से रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो लगातार हम बना के लेके आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंस गारमेंट बिजनेस में, मेंस का अगर वैसे तो गारमेंट बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ आज बात करेंगे मेंस गारमेंट बिजनेस में क्या क्या वैरायटीज होती हैं जो आपकी दुकान पे होनी बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो मेंस में आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकता है वो क्या बिकता है, जीन्स। देखिए, आपकी दुकान में जीन्स होनी बहुत ज़रूरी है, और जीन्स में क्या क्या वैरायटीज होती हैं। जीन्स में देखिए नैरो पैटर्न चलते हैं, स्ट्रेट फिट जीन्स चलती है, डैमेज जीन्स चलती है, कम्फर्ट पैटर्न जीन्स चलती है। तो आपको इनका पता लगाना है आपके एरिया में कौन सी जीन्सें ज़्यादा बिकती हैं, वो आपको भरपूर वैरायटी में ऐड करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों शर्ट की, देखिए जीन्स अगर कोई बंदा खरीद रहा है तो वो चाहता है उसके साथ उसकी शर्ट भी मिल जाए, और शर्ट में क्या क्या वैरायटीज होती हैं आप जरा कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा क्योंकि ये आपको नोट्स बनाने हैं और परचेजिंग करने से पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो आइटम रहती है वो रहती है आज के दिन में चेक। हाँ जी हाँ दोस्तों, चेक शर्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं, और आपको चेक में डबल पॉकेट, सिंगल पॉकेट, क्योंकि जो डबल पॉकेट होता है, जो हमारी 35 साल से ऊपर की जो एज हो जाती है वो कम डालते हैं डबल पॉकेट में, उन्हें ज़्यादातर सिंगल ही पॉकेट बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो आपको ये रखनी है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, आपको बहुत सारे प्लेन में कलर रखनी है। देखिए, प्लेन कलर एकमात्र ऐसी आइटम है जो आज भी बिकेगा, कल भी बिकता है और सदा बाहर बिकता है। प्लेन तो आपकी दुकान में हमेशा भरे भरे होने चाहिए क्योंकि प्लेन एकमात्र ऐसी वैरायटी है जो सदा बाहर बिकती है। प्लेन हर बंदे की डिमांड रहती है और आपके पास भी कोई ना कोई प्लेन शर्ट जरूर होगी, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपकी दुकान में कुछ प्रिंटेड शर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, प्रिंटेड शर्ट भी लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं आजकल, थोड़े थोड़े डॉट्स या अपडेट डबल पॉकेट में प्रिंटेड शर्टें आती हैं, ठीक है ना। आप फैशन और ट्रेंड का पता कर लगाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे पेज पे देख सकते हैं कि हमने किस किस तरीके की प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करके अपना दुकान पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जो ट्रेंड और फैशन को टच में करें। दोस्तों, जो भी आप खरीदेंगे, आपको एक मैं बात और बता देता हूँ कि जो भी कपड़ा आप खरीदेंगे, आपको जो वो खरीदना है जो ट्रेंड और फैशन में हो। ऐसा कपड़ा, लल्लू लाल कपड़ा मत खरीदिएगा, और कपड़ा जो भी खरीदें वो बेस्ट और बेस्ट क्वालिटी में ही होना चाहिए। देखिए, जब भी आप एक दुकानदार हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, एक दुकान कर रहे हैं, तो कस्टमर बार बार आता है। अगर आपने घटिया क्वालिटी बेची तो वो कंप्लेंट लेके आपके पास आ जाएगा और पीस आपको कहीं ना कहीं रिटर्न लेना पड़ जाएगा, ग्राहक खराब ना हो जाए, है ना। तो वो आपका नुकसान हो जाएगा उस टाइम। तो आप जो भी लेके आएँ, अच्छा कपड़ा लेके आएँ और ट्रेंड और फैशन में लेके आएँ, और उसका प्राइस भी कोशिश करें कम से कम रखिएगा। अब बात कर ली जाए दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताया जीन्स और शर्ट, ठीक है। शर्ट में भी मैंने आपको तीन तरीके की वैरायटी बताई है, चेक शर्ट होती हैं, ठीक है, प्रिंटेड शर्ट होती हैं, और प्लेन शर्ट। प्लेन शर्ट तो आपकी दुकान में होना ही होना चाहिए, खासतौर पर वाइट और ब्लैक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके अलावा, अब आप बात करते हैं फॉर्मल पैंट की। देखिए, कॉटन में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, फॉर्मल पैंट आ जाती हैं। अब फॉर्मल पैंट में एक तो स्ट्रेट, एक होता है रेगुलर फिट जो कंफर्ट पैटर्न आ जाता है हमारे, और एक होता है बूट कट का रिवाज जो नीचे आजकल खुली पैंटें चली हुई हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली का टेस्ट है।
तो बूट कट का भी आजकल रिवाज है, वो भी आपके पास अगर हो तो आपकी सेल अच्छी बढ़ सकती है। बट आपको याद रखना है कि आपके एरिया में क्या चलता है, आपको ये पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वैरायटी बता रहा हूँ कि अगर आप मेंस गारमेंट बिजनेस करते हैं तो आपके पास क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात कर ली जाए, कॉटन पैंट आ जाते हैं। देखिए कॉटन ट्राउज़र भी बहुत अच्छे सेल होते हैं, और इसमें अगर मैं साइजिंग की बात करूँ 28 से लेके 36 नंबर साइज आपकी दुकान में होने ही होने चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर रहता है ब्लैक, ठीक है ना, ओलिव कलर रहते हैं, ब्लू कलर रहते हैं, ये रेगुलर चलते रहते हैं, लाइट कलर हो गए, क्रीम कलर बोल देते हैं जिनको, ठीक है। तो ये कलर आपके पास आपकी शॉप पे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़बरदस्त बिकते हैं, आज भी बिकेगा और इसमें डेड स्टॉक भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि आपने जो ख़रीदा है वो 100% बिक जाए तो आपकी सेल तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। और ये जो फॉर्मल और ये कॉटन पैंट मैंने आपको बताई, इनमें इतना ट्रेंड भी चेंज नहीं होता, ये रेगुलर चलती हैं। और कैजुअल वेयर में हमेशा लोग ये डालना पसंद करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फॉर्मल पैंट बता दी मैंने, और आपको बताई है कॉटन पैंट, ठीक है। कॉटन ट्राउज़र ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कार्गो में जोगर चले हुए हैं, जोगर क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है दोनों साइड पॉकेट लगी होती है, आगे से डीप पॉकेट होता है। तो दोस्तों आपके पास कार्गो पैंट भी अगर हो, और ये साइज़ अगर मैं बात करूँ 28 से लेके 36 नंबर साइज़ आपकी दुकान में हो, तो इससे आपकी अच्छी सेल बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आइटम भी आप रख के अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, और ये भी मेंस गारमेंट वैरायटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कार्गो पैंट। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आपको अपनी दुकान पे देखिए प्रीमियम शर्ट ज़रूर रखनी है और प्रीमियम जीन्स ज़रूर रखनी है। प्रीमियम जीन्स मैं अलग से क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए क्योंकि ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये रेगुलर आइटमें रहती हैं, थोड़ा मिड रेट में ये रहती हैं, थोड़ा प्रीमियम आइटमें ज़रूर रखिए जीन्स में भी और शर्ट में भी। ये आप ज़्यादातर कैजुअल रखिएगा, सिंपल सोबर जितना अच्छा होगा आपका उतना ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बढ़िया लोग जो आते हैं, जो अच्छे पोस्टों पे होते हैं, ऑफिस वेयर में काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी की शर्ट आती हैं, वो ये ज़्यादातर लेते हैं। और इनको रेट का कोई चक्कर नहीं होता, इन्हें बस अच्छा कपड़ा चाहिए और रेट थोड़ा सा जेन्युइन हो तो ये ले लेते हैं। तो प्रीमियम शर्टें जरूर रखिएगा जो 700-800 हज़ार रुपये की रेंज में आपके पास हो, ठीक है, और जीन्स भी। इसके अलावा दोस्तों आपको रखनी है अपनी दुकान पे बहुत सारे लोअर यानी कि ट्रैक पैंट के साथ आप साथ में इसमें शर्ट या टी शर्ट भी सेल कर सकते हैं, और ये आपके पास फुल में हाफ में दोनों में होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ लोअर यानी कि ट्रैक पैंट में क्या वैरायटी होती हैं आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जो रेगुलर वेयर का कपड़ा होता है वो रहता है ट्रैक पैंट, लोअर कहते हैं इसको, जो घर में पहनने के लिए यूज़ करते हैं लोग, नाड़ा लगा रहता है इसमें, और इस पर बहुत वैरायटी होती है। वैरायटी क्या है इसमें, एक तो आपको इसमें लाइक्रा में लोअर मिल जाता है, स्ट्रक्चुरल कपड़ा होता है। एक आजकल चला हुआ है NS कपड़ा, वो थोड़ा सा लाइट वेट कपड़ा होता है, गर्मियों में बड़ा अच्छे वो कपड़ा रहता है, लाइट वेट होता है, थोड़ा होता सिंथेटिक पॉलिस्टर कपड़ा होता है ये। और अगर मैं बात करूँ कॉटन, देखिए कॉटन में एक होजरी कॉटन आ जाता है और पेज का है कॉटन, प्योर कॉटन। कॉटन की जो लोअर आएंगे थोड़े प्रीमियम हो जाते हैं ये, और जो होजरी कॉटन होता है वो 250-300 की रेंज में आ जाता है, आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं 250-300 की रेंज में। हम भी इसको बेचते हैं 250-300 में ही आ जाते हैं बेचने के लिए, मतलब आपका बेचने वाला रेट आपको आ जाएगा। ये भी आपकी दुकान में हो तो आपकी वैसे लोअर में एक अच्छी वैरायटी रहती है। इसके अलावा आप लोअर में एक PPU फैब्रिक आ जाते हैं, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के लोअर आप जरूर रखिएगा अपनी दुकान में, जिससे कि आपकी सेल थोड़ी अच्छी इंक्रीज हो। और क्वालिटी देखिए दोस्तों, और साइज़ आप जब भी लोअर खरीदते हैं इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वालिटी और साइज़। देखिए कई बार क्या होता है लोअर आप सस्ता तो ले आते हैं, 160-170 रुपये का लोअर ले आते हैं, आप 200-250 में बेच देते हैं, पर उनके कहीं ना कहीं आसन और साइज़ प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा पीस आपके बच जाते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको प्रॉपर साइज़ खरीदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मेंस गारमेंट बिजनेस में आपको बहुत सारे टी शर्ट आते हैं MLXL XXL साइज़ में, टी शर्ट लोअर के साथ, लोअर का भी यही साइज़ रहता है MLXL XXL, और सेम ऐसे ही MLXL XXL में आपको टी शर्ट रखनी है। अब टी शर्ट की वैरायटी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो टी शर्ट में क्या वैरायटी होती है देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, पर मैं आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। देखिए जो लोअर में हमारे पास वैरायटी टी शर्ट में हमारे पास वैरायटी होती है, टी शर्ट में देखिए एक नॉर्मल कॉलर में पोलो टी शर्ट आ जाते हैं हाँ बाजू में, ये आज भी बिकेगा, कल भी बिकेगा और सदाबहार बिकता है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँ एक पॉकेट वाले पोलो टी शर्ट आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, रेगुलर बिकता है, आज हमारा मतलब ज़बरदस्त सेल रहती है उसकी,
और मुझे इतना विश्वास है कि आप भी अपनी दुकान में रखेंगे तो आपकी भी उसमें सेल बढ़ेगी, तो वो भी आप अपनी दुकान पे रखिएगा रखिएगा, उससे आपको अच्छी सेल मिलेगी। अरे आजकल क्या रहता है, लड़कों को ड्रॉप शोल्डर टी शर्टें डालने का बहुत शौक है, जो बाजू यहाँ तक आती हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं ऑफ शोल्डर में। और आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल टी शर्ट, जो नॉर्मल टी शर्ट होते हैं आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको रखनी है। और प्लेन में भी बहुत सारे टी शर्ट आपके पास हों तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ, अब एक्सेसरी पे हम आ जाते हैं, मेंस में आप एक्सेसरी क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए मेंस में अंडरगारमेंट में आप अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी दुकान में 2 लाख रुपए की तो हम अंडरगारमेंट ही सेल कर देते हैं पर मंथ 2 लाख की। तो आपके पास अंडरगारमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंडरगारमेंट एक अच्छी आपको बूम देगा, जिससे आपकी सेल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिल जाता है आपको। अंडरगारमेंट अपनी शॉप पे आप रखिएगा और इसमें फ्रेंची एच में अंडरवेयर हो गए, प्रिंटेड अंडरवेयर हो जाते हैं, तो ये ज़रूर आप रखें। और इसमें भी वैरायटियाँ रखने की कोशिश करें, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ने वाली है। अंडरगारमेंट के साथ आप अंडर बनियान भी जरूर ऐड करिएगा, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनियान होगी, जैसे कि प्लेन वाइट, लाइनिंग वाली वाइट हो जाती हैं, और कलरफुल बनियान आ जाती हैं, पट्टी वाली बनियान आ जाती हैं, तो इसमें भी आपके पास बहुत वैरायटी हो जाती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास 80-90 लाख रुपए का तो लाख डेढ़ दो लाख के लमसम अंडरगारमेंट ही पड़ा होगा। इसमें एसेसरीज़ में आप और ऐड करिए, हैंकी ऐड करिए, सोक्से ऐड करिए, सोक्सों में क्वालिटी ऐड करिए, मिड रेट, प्रीमियम, है ना, हर तरीके की ऐड में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इसमें क्या, आप मेंस की कैप ऐड कर सकते हैं, मेंस की बेल्टें ऐड कर सकते हैं, मेंस के परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, और मेंस में आप बॉलेट वगैरह भी ऐड करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी वैरायटीज़ है जो हमने मेंटेन की हुई है अपनी शॉप पे। आप भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ ऐड करके मेंस में अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कर, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ टाटा एंड बाय बाय।